आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को जीएसटी पर फिलहाल राहत नहीं, काउंसिल की 22 जून की बैठक में टैक्स रेट पर समीक्षा नहीं होगी। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को जीएसटी में राहत देने के लिए अब थोड़ा इंतजार और यहां पर करना पड़ सकता है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल 28% जीएसटी लगता है। इससे पहले सूत्रों ने बताया कि 22 जून को होने वाली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है इसमें टैक्स की समीक्षा हो सकती है। ये समीक्षा पहले 1 अक्टूबर 2023 को 6 महीने पूरे होने पर होनी थी। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर टैक्स से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद है। वो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री फुल सेल्स वैल्यू की बजाय जो है ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू यानी जीजीआर पर 28% जीएसटी की मांग कर रही है। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू दाव पर लगाई गई रकम और जीती गई रकम का अंतर यहाँ पर होता है। वह फुल फेस और वैल्यू की दाव जो वैल्यू जो है वो कंटेंट एंट्री से जुड़े रकम की वैल्यू होती है। वह एक सरकारी अधिकारी ने यहाँ पर बताया है कि काउंसिल की जो इस बार बैठक होगी उसमें ऑनलाइन गेमिंग के मसले की व्यापक समीक्षा नहीं होगी यानी इसके ऊपर कोई समीक्षा नहीं होगी। अभी समीक्षा की जरूरत महसूस जो है वो यहाँ पर अभी जरूरत नहीं की जा रही यानी अब समीक्षा की जरूरत नहीं महसूस की जा रही है क्योंकि इंडस्ट्री अभी 1 अक्टूबर 2023 से लागू टैक्स की उच्च दर को लेकर जो तालमेल जो है नहीं बैठा है। लिहाजा 22 जून को होने वाली बैठक में इससे जुड़ा कोई भी यहाँ पर फैसला जो है वो नहीं होगा। समीक्षा एजेंडा का ऐसा ही है इसमें नहीं होगी। बता दें आपको पिछले साल अक्टूबर में ऑनलाइन गेमिंग पर पूरी वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया गया है। चाहे गेम की कैटेगरी हो चाहे कुछ भी हो, गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि समीक्षा बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी जो जीएसटी दर जो है उसमें बदलाव हो सकता है। जीएसटी काउंसिल पहले ही साफ कर चुकी है कि ऐसी रिबोटिंग पर 28% जीएसटी नहीं लगेगा जिसमें रकम नहीं निकाली गई। वही इस तरह ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी बड़ी दिक्कत जो है उसको यहाँ पर सुलझा लिया गया है। बात अब कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब हर महीने बेरोजगारी का आंकड़ा जारी कर सकती है सरकार, इन्फ्लेशन के लिए बेस ईयर में बदलाव की है तैयारी। भारत सरकार बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जो है पहले के यहां पर पहले से कम समय के अंतराल पर जारी करने की तैयारी में है। साथ ही सरकार इस साल के अंत तक इन्फ्लेशन और जीडीपी के बेस ईयर में बदलाव को लेकर भी फैसला कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि संख्या की और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शहरों में जो है बेरोजगारी से जुड़े सर्वे को 3 महीनों की बजाय जो है हर महीने पेश करने की तैयारी में है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में हर 3 महीनों पर रोजगार डेटा को जारी करने का विचार किया जा रहा है। मामले से वाकिफ एक सूत्र ने बताया है कि इन विकल्पों पर विचार कर हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेटा जारी करने की अवधि को कम किया जा सकता है। वह मंत्रालय कंज्यूमर इन्फ्लेशन बेस को बदलकर 2024 करने का विचार कर रहा है जबकि जीडीपी बेस ईयर को लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। संख्या की और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 2022-23 के लिए घरेलू खपत खर्च की सर्वे की रिपोर्ट जो है वो उन्होंने जारी की है। वही मंत्रालय घरेलू खपत से जुड़े खर्च को लेकर काफ़ी अंतराल में 2 सर्वे यहां पर कर रहा है। दूसरा सर्वे अगले महीने पूरा हो जाने का अनुमान है। पिछली बार ये सर्वे 2011 में किया गया था। डेटा संबंधी गड़बड़ियों की वजह से 2017-18 में ये सर्वे जो है टाल दिया गया था। इसके अलावा सरकार कीमतों से जुड़े डेटा इकट्ठा करने के मकसद से मार्केट सर्वे भी कर रही है। इसे कंज्यूमर इन्फ्लेशन के लिए गुड्स बेस्केट तय करने में मदद मिलेगी। इसका इस्तेमाल जो है मंथली प्राइस डेटा कलेक्ट करने में जो है वो किया जाएगा। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, आम जनता पर पड़ रही है महंगाई की मार। आलू प्याज के बाद चढ़ गया टमाटर का भाव। हीटवेव और भीषण गर्मी ने आम जनता का जो यहाँ पर महंगा जो है महंगाई बढ़ा दी है, बजट का आम आदमी को दिया है। दरअसल इस गर्मी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वही देश के अंदर जो है अभी जो यहाँ पर गर्मी जो है बढ़ रही है। इससे गर्मी सीजन में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई इलाकों में प्याज और आलू के साथ साथ टमाटर भी महंगा होता जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में टमाटर के दाम दुगने हो गए हैं। शुरुआती समय में टमाटर की कीमत महाराष्ट्र और दक्षिण राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में देखी गई थी, लेकिन अब पूरे देश में इसके दाम बढ़ गए हैं। कहा जा रहा है कि टमाटर के दाम और बढ़ सकते हैं। दरअसल एग्री मार्केट जो सरकारी पोर्टल है उसके अनुसार साउथ इंडिया में टमाटर की औसत थोक कीमत 35 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। वही कर्नाटक के कुछ बाजारों में टमाटर 60 रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। वही ज्यादा इलाकों में 80 रुपये प्रति किलो के भाव से फिलहाल मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2-3 हफ्तों में टमाटर के दाम जो है एक साल की तुलना में भारी यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और तुलना में ये दुगनी हो गई। हालांकि अभी उत्तर भारत में टमाटर कीमतों में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई आते आते जो है कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है जब यहाँ पर सप्लाई में कमी आती है और कीमतों में उछाल आता है। तो जुलाई तक जो है टमाटरों की कीमतों में
बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। टमाटर की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वह जानकारी के अनुसार इस साल टमाटर के प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ है, भीषण गर्मी की वजह से फल और फूल दोनों यहाँ पर खराब हो गए, जिसके चलते जो है उत्पादन में कमी हुई है। इसके अलावा माना जा रहा है कि मंडी में टमाटर का सप्लाई भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। पिछले एक साल से जुलाई अक्टूबर के बीच टमाटर के दाम जो है वो आसमान छूते हैं। कई क्षेत्रों में बरसात के मौसम में टमाटर को उगाया जाता है, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से एक बार फिर फसल जो है वो खराब हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले अपडेट में यानी कल।